किसी इलाके में आने की प्रयास करता हूँ। इस शुभ और महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि और सम्मानित व्यक्तित्व श्री विकास अरोड़ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे दीपक, एक दीपक होता है, दिया होता है, जैसे एक दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही समाज शिक्षा के बिना उन्नति नहीं कर सकता। मानते हैं शिष्य बाबू? ये कहावत हम सभी के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए कि हम सब अपने समाज को शिक्षित और सशक्त बनाए। भारत रत्न और हमारे बिहार के रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस समय हमें मानसिक आजादी मिली और आज हमारी युवा पीढ़ी आर्थिक आजादी की ओर अग्रसर हो रही है और ये ताकत है आज की शिक्षा प्रणाली और अध्ययन की। आज मैं आपसे एक गहरा रहस्य साझा करना चाहता हूं, एक गहरा रहस्य आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जीवन के मेरे प्रारंभिक वर्ष में जो मैंने बिहार के इस पावन धरती पर मेरी शिक्षा की नींव पड़ी, जिसने मेरे विचारों और सपनों को आकार दिया। बिहार में मैंने कक्षा 10 तक सहायगंज में मैंने पढ़ाई की और उसके बाद क्लास 12 में पढ़ाई करने के लिए क्लास 12 के लिए मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आदिपुरम में अपना दाखिला किया, एडमिशन कराया। उसके बाद मैं IIT कानपुर गया सन 2000 में और 2004 में मैं IIT कानपुर से ग्रेजुएट हुआ, सर हमारे सीनियर हैं। और उसके बाद मैंने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी कोरिया में, दक्षिण कोरिया में जाके मास्टर्स की और फिर मैंने सैमसंग में काफी लंबा समय काम किया और US हार्वर्ड से MBA मैंने किया। तो ये सारा शैक्षणिक सफर जो था ये अपने आप में एक उपलब्धि मानते हैं लोग, मगर रहस्य की बात यह है कि मुझे जो बिहार में प्राप्त हुई शिक्षा, बिहार में प्राप्त हुई शिक्षा और आधारभूत मूल्यों की गहराई और प्रभाव की तुलना में मुझे कहीं और इतना समृद्ध और जीवंत शिक्षा नहीं मिली। ये और मेरे मन में एक संशय था कि किशनगंज कब जाऊंगा, बिहार के उस सीमांत के जिले में जब कार्यक्रम हो तब लगेगा कि अभियान सभी को जोड़ने में सफल हो पा रहा है। आज बड़ा प्रसन्न हो, किशनगंज 35वां जिला है जिसमें लेट्स इंस्पायर बिहार का ये कार्यक्रम हो रहा है। संख्या किशनगंज चैप्टर की लोगों की कम है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम के बाद निश्चित अन्य लोगों को भी हम जोड़ पाने में सफल होंगे। 22 मार्च 2021 को बिहार दिवस के अवसर पर इस अभियान का प्रारंभ एक आह्वान के साथ, एक मैसेज के साथ कि ऐसे सभी लोग जो अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर देखना चाहते हैं, उत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं, जाति संप्रदाय अलग अलग वादों से हटकर मिलकर कुछ योगदान बिहार के लिए करें और एक प्लेटफॉर्म विकसित करें, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो अच्छे लोग जब जुड़ेंगे और बिहार को जब देखते हैं, बिहार जिस काल में रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज की तरह विकसित नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब तो हम अफगानिस्तान के पार तक अखंड भारत के साम्राज्य को चला पा रहे थे, स्थापित किए थे और एक दो वर्षों तक नहीं सैकड़ों वर्षों तक कर सके थे। तब जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी, हमारे यहाँ नालंदा विक्रमशिला में विश्वभर से लोग पढ़ने आते थे। जिस किशनगंज में हम लोग अभी हैं इसके कुछ ही दूरी पर भागलपुर को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है विश्व का पहला नगर, और उस भागलपुर को जब आज देखेंगे तो कहीं से नहीं लगता कि विश्व का पहला नगर होगा, क्योंकि यदि विश्व का पहला नगर हुआ होगा तो आज बहुत कुछ विस्तृत होता। पकाल सुनहरा धान बरहाशे सीमांचले मान लहलहाशे गुनगुनाशे, लहलहाशे गुनगुनाशे हवा संगे झूमे गीत गाछे, लहलहाशे गुनगुनाशे
हवार संगे बहे गीत गाछे जब धूप पोछे खेतो भरे दिशे खुशी मोलो, मतलब जब धूप खेत पे पड़ते हैं तो वो खेत को देख के मन खुश हो जाते हैं। जब धूप पोछे खेतो भरे दिशे खुशी मोलो, सोना मंदी चम चम कर छे रंग सजाएगी छे किसानी जीवन। सोनार मंदी चमचम कर छे रंग सजाएगी छे किसानी जीवन। हल्का हल्का हवार साथ बहे जा छे ओसे बूंद कोरवा बा झील मिला छे। हल्का हल्का हवार साथ बहे जा छे ओसे बूंद कोरवा बा झील मिला छे। झीली झीली धानी खेत सुनहरा लाग छे धान नी गांव लोकला सोना उगा छे। धान की गांव लोकला सोना होगा छे। धान कटनी लोग उत्सव मंदी मना छे। धान कटनी लोग उत्सव मंदी मना छे। करा मेहनत के बाद किसान अच्छा दाम पाछे। काटे झाड़े उसनाए सुखाए एक एक दाना, बहुत मेहनत के बाद सवारो थाली पहुंचा छे। बहुत मेहनत के बाद सवारो थाली पहुंचा छे। देखिए, बिहार का भविष्य उज्ज्वल हो तभी होगा जब सभी लोग इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे। जाति संप्रदाय इन बंधनों से मुक्त होकर बिहार के लिए योगदान करेंगे। मंत्र हैं शिक्षा समता उद्यमिता। दृष्टि हमारे पूर्वजों की, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। बिहार में हर प्रकार के संघर्ष से ऊपर उठकर चलना होगा। बिहार जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, तो कारण एक ही था, सोच बड़ी थी। बिहार में जातियाँ तब भी थी, जिस प्रकार का जातिवाद जिसमें हम संघर्ष करते हैं, यदि देखते हैं उस समय नहीं था। रहा होता तो मगध में सबसे निम्न वर्ग से आने वाले नंद वंश का उदय नहीं होता, और चाणक्य भी चलते तो चंद्रगुप्त की जाति खोजते। बड़ी सोच कारण था कि बिहार का विकास हुआ उस काल में जब संसाधन नहीं थे। आज जब संसाधन, हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा ज्ञान के लिए, जिसमें हम नॉलेज अर्जित करें, और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आज लगभग 30 वर्ष से कम उम्र के 9 करोड़ युवा हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है और शिक्षा की आवश्यकता है। और केवल सरकारी नौकरी तक हम सीमित होकर सोचें तो सबके लिए संभव नहीं है। केवल 1-2% लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को यदि हम रोजगार देना चाहते हो, बिहार में देना चाहते हैं, तो आवश्यक है उद्यमिता का विकास हो और हर गांव में, हर पंचायत में, हर विद्यालय महाविद्यालय में इसके लिए प्रयास हो, ताकि हमारे युवा मोटिवेट हो और एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट उनके अंदर आए। यही एक प्रयास है जो बिहार के हर जिले में हम लोग कर रहे हैं। 75,000 से अधिक लोग इसमें स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं और मिलकर बिहार के विकास को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। देशभर में 65 करोड़ युवा हैं, बाकी लोगों को क्या संदेश है? नहीं, संदेश तो लगभग वही है। मैं तो बिहार को देखता हूँ, सबसे पिछड़ा है। मैं भी बिहार से हूँ, चाहता हूँ सबसे पहले अपना क्षेत्र अग्रणी होने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और बिहार ही वह भूमि थी जो कभी इस पूरे अखंड भारत का नेतृत्व करती थी। आज यदि भूमि उस रूप में जागृत होती है एक नए संदेश के साथ, और संदेश वही जो हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी उसके साथ, जो जाति संप्रदाय बंधनों से मुक्त होकर हम बिहार को विकसित बनाएं, निश्चित चीज़ें बदलेंगे। सर, पॉलिटिशियन भी पद यात्रा में निकलते हैं, आपके मन में तो कहीं कुछ नहीं है? देखिए, जो पॉलिटिक्स है उसका जो जिस प्रकार की चीज़ें हैं, निश्चित पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण है, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन अभी जिस बात जो जिस प्रयास में मैं लगा हूँ उससे बड़ा है, क्योंकि जो राजनीतिक पद होते हैं कुछ उसको प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए होते हैं, फिर चीज़ें बदलती हैं। जिस प्रयास में मैं लगाऊँ दीर्घकालिक है, बिहार में बड़ा परिवर्तन हो, और ये तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग, हर संप्रदाय से हम जुड़ें।